मॉर्निंग दोस्तों, हम आए अपने मायके और ये है सरसों का साग जो कि मैं काट रही हूँ। उसको मेरी भाभी बनाएंगी और जैसे बनाएंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, अपनी भूतिया हवेली मतलब जो पहले वाले वीडियो में दिखाई थी वो आज पेंट टेंट होके थोड़ा और अच्छा हो गया है, तो मैं फ्रंट से भी आप लोग को दिखाऊंगी। अभी चल रही हूँ बाहर और पीछे मेरे घर के पीछे थोड़ी जगह है, वहाँ पे भी साग सब्जी जो लगी है बहुत फ्रेश फ्रेश। ये घर का साग सब्जी है, ये घर का सरसों का साग है। अभी मैं वहाँ पे आपको ले चलती हूँ। चाय पी ले, भाभी मेरी चाय दी हैं, शीशे में दिखाई दे रहे होंगे हम। तो मेरे घर में एक शेक पिया जाता है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आप उसे एक दिन एक पुड़िया अगर आप पी लेते हैं तो आपको घोड़े जैसे लगेगा कि घोड़ा कोई घसीट रहा है। गुड जॉब, गुड जॉब। तो चलिए दोस्तों, इस साग को हम लोग को देते हैं अपने कैया को। पीछे मेरे ये है मेरे पापा, ये है पीछे का व्यू। इसमें सब कुछ क्या क्या बोया गया है, मूली है, साग है और गोभी है और लौकी है। और ये है गाय के लिए खाने के लिए चारा। और पीछे का देखिए जितना खाली है वहाँ तक बाउंड्री है, वहाँ तक हम लोग का है। उसके बाद से आपको ले चलते हैं अपने बिल्डिंग की तरफ। ये है हम लोग की बिल्डिंग। घर पेंट होने के बाद कैसा दिख रहा है, अभी तो सब कुछ सेट नहीं हुआ है, अभी सेट करना बाकी है। ये मम्मी की मेरी तबीयत है ख़राब, इसलिए हम आए थे एक दिन के लिए। लो मम्मी, ये लो बिना तेल वाला है तुम्हारा। आज बन रहा है मेरे घर में सिंघाड़े का सब्जी भुजिया, जिसमें मेरी भाभी डाली है इसमें लहसुन और मिर्चा और अदरक का पेस्ट और फिर प्याज का तड़का देकर उसके बाद से इसमें टमाटर को फिर डाली है। मतलब प्याज का तड़का देने के बाद लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें टमाटर को भून रही हैं। और कुछ डाली भाभी आप? नहीं, बस इतना ही। हाँ, और उसके बाद इसको देखिए भूनने के बाद इसको इसमें डाल दिया जाएगा, भुना जाएगा। ये सिंघाड़े की भुजिया सब्जी बन रही है, टेस्ट करके बताइएगा। आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा। हाँ, टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे। एक ही गाड़ी पे तुम अत्याचार कर रहे हो। घर पेंट डेंट हो गया, कैसा लग रहा है? नहीं, बड़ी साफ है। आप नहीं बात, अभी सफाई हो रहा है, अभी तो सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। बाहर से मेरा घर देखिए पेंडेंट हो गया है, बाहर से ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा घर है हम लोग का, लेकिन हम लोग का इतना ही बस पार्ट है, बाकी मौसी का है मेरे। बाहर से ऐसे पेंडेंट होके लग रहा है। उठो, देखिए मेरा भतीजा ही नहीं उठ रहा, अभी सोया है। उठो बेटा। घर आज मेरा धुला रहा है भैया, मेरे साफ सफाई लगे पड़े हैं। ये है फूल लगा है, छोटा वाला छत है मेरा, कपड़े उपड़े भी टंगे हैं मेरे। ये पेंट हो गया हमारा घर, बस मौसी उसी। उठ जा बेटा, गेट का कलर येलो कलर हो गया है और घर का।
चलिए तो हम लोग यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं। पापा मेरे जा रहे हैं, थोड़ा गठिया का प्रॉब्लम है पापा के पैर में, तो ऐसे पैर करके चल रहे हैं। अपना रूम दिखाते हैं, ये हो गया हम लोग का किचन पेंट। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है?